हेलो, वेलकम टू इन माई चैनल के एंड एम एजुकेटर्स क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th में जो हम चैप्टर करा रहे हैं। मैं आपको चैप्टर करा रहा हूँ सेट, आपका चैप्टर फर्स्ट है एनसीईआरटी। चैप्टर फर्स्ट जो चल रहा है आपका सेट, उसमें हमने सेट के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है ना। और आपके एलिमेंट पढ़ लिए थे, एलिमेंट क्या होते हैं उसके अंदर के। उसके बाद आपने टाइप ऑफ सेट पढ़ लिए थे, जिसमें हमने दो टाइप पढ़े थे, कौन कौन से, रोस्टर फॉर्म और सेट बोल्डर फॉर्म। तो इसके बारे में आपको 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी मैंने आपको। अब हम 1.2 जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1.2 में हमें पढ़ना पड़ेगा टाइप ऑफ सेट पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? टाइप ऑफ सेट। तो हमें सेट के क्या क्या टाइप होते हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, और एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक भी करेंगे, ठीक है। जिससे आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे, तो जिससे आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी चीज़ें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ सेट में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एम्प्टी सेट के बारे में। किसके बारे में? एम्प्टी सेट के बारे में। हमारा एम्प्टी सेट क्या होता है? देखिए, जैसे हम आपको सेट पढ़ा कर आ रहा हूँ मैं आपको, तो उसमें जैसे मान के चलिए एक हमने सेट लिखा ऑल नेचुरल नंबर 1 to 5 a इक्वल टू, तो आप इसे कैसे लिखते हैं? a इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये कौन सी फॉर्म है? हमारी रोस्टर फॉर्म है। क्या फॉर्म है हमारी? रोस्टर फॉर्म है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं रोस्टर फॉर्म में, इस तरह से हम लिखते हैं इसको, रिप्रेजेंटेशन करते हैं सेट का, तो रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में इस तरह करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसी को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में करना होता है तो क्या करते हैं? x, जैसे यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा, एक्स आ जाता है, एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है। एक्स या एक्स बराबर हम लिख देते, या एक्स ग्रेटर, एक्स जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचुरल नंबर को। और एक्स जो है 1 से तो बड़ा है पर 5 से छोटा है, इस तरह लिख देते हम किस में? सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो पर हमें जो पढ़ना है, हम पढ़ना है एम्प्टी सेट के बारे में। किसके बारे में? एम्प्टी सेट के बारे में, ठीक है। तो जब हम एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें एलिमेंट कुछ भी नहीं होता हमारा, क्या जैसे हमने लिखा, ठीक है। तो सिर्फ इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें एलिमेंट बिल्कुल नहीं होता हमारा, ठीक है। क्या नहीं होता? एलिमेंट हमारा एक भी नहीं होता, उसे ही हम क्या बोलते हैं? डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ठीक है ना। हम क्या लगा इसकी डेफिनेशन लिखें, डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट क्या नहीं होता इसके अंदर, नहीं होता है, डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। इसको हम नल सेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नल सेट। और इसका एक और नाम होता है वॉइड सेट, ठीक है ना, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट, ठीक है। तीन नाम हो गए, नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट, ठीक है ना। तो आपके बात समझ में आई होगी आपके ये चीज। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ टाइप ऑफ सेट में, कि हमारा जो पहला टाइप है एम्प्टी सेट जो है हमारा, इसमें हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं होता, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट हमारा नहीं होता है, इसे हम नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, कोई मैंने एक सेट लिखा, जैसे मान के चलिए ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, ये मैं लिख रहा हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, इज एन एक्स इज एन एविन नंबर, एविन प्राइम नंबर, एविन प्राइम नंबर ग्रेटर 2, मैंने लिखा एक सेट, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप ये बताइए एक्स एक प्राइम नंबर है, इविन प्राइम नंबर, ऐसा कोई इविन प्राइम नंबर जो 2 से बड़ा हो, तो आपको अच्छे से जानते हैं ये बात कि हम अगर इविन प्राइम की बात करें, अगर हम इविन प्राइम की बात करें तो सिर्फ एक ही नंबर है जो ऐसा जो हमारा इविन भी है और प्राइम भी है, कौन सा? वो 2। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इविन भी है और आपका प्राइम भी है। और इसमें कह रहा है इविन प्राइम नंबर बताओ, एक्स क्या है? एक इविन प्राइम नंबर है जो 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा तो कोई है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ 2 ही है। तो ये सेट कैसा होगा? एम्प्टी सेट। तो इसके अंदर कोई भी आपका एलिमेंट आएगा ही नहीं, कोई भी एलिमेंट आपका आएगा ही नहीं। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी आपका एलिमेंट आता ही नहीं है, ठीक है। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो ऐसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट आपका कंटेन होता ही नहीं है, जैसे मतलब डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट,
इसे नल सेट और वॉइड सेट भी हम कहते हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे के बताया, ठीक है ना। अब इसी तरीके से कोई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें हमारा कोई भी नहीं आता हो, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक से बड़ा एक्स कोई और दो से छोटा, एक्स क्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। मैंने एक एग्जांपल लिखा जो एक्स सच दैट एक्स जो है, ठीक है ना, एक्स जो है हमारा एक से तो बड़ा है, एक से तो बड़ा है दो से छोटा है, ऐसा कोई नेचुरल नंबर बताओ जो एक से बड़ा हो दो से छोटा हो। नेचुरल अगर हमें लिखे एक दो तीन चार, तो एक से बड़ा नेचुरल नंबर क्या है और दो से छोटा, ऐसा कोई बीच में नंबर आ रहा है नहीं, तो ये भी क्या है एक तरह का एम्प्टी सेट है। क्या है हमारा, एम्प्टी सेट है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, एम्प्टी सेट क्या होते हैं, जिसमें कोई भी आपका एलिमेंट नहीं होता, जिसमें कोई भी आपका एलिमेंट नहीं होता उसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट, ठीक है। अब जैसे कि हम, मैं आपसे बात करूँ इसके, अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है ना, अगर हम इसका फर्स्ट ले लें, हमें बताना है कि इसमें से चार आपको दे रखे हैं कौन सा नल सेट है कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो पहला हमारा दे रखा है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय टू, ऐसा नंबर, ऐसा ओड नेचुरल नंबर बताना है जो दो से डिवाइड हो, ठीक है। तो आपको पता है ऐसा कोई नंबर है जो दो से डिवाइड हो, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दो से डिवाइड हो तो ओड में, ठीक है। ओड कोई भी नंबर नहीं होता ऐसा जो दो से डिवाइड होता हो, तो ये किस तरह का सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया या ऐसे नल सेट हो गया। तो हमें ये बताना है कौन सा एग्जांपल नल सेट का है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नल सेट है हमारा, क्या है ये, नल सेट है। क्लियर समझ में आ गया आपको। तो इसमें क्या कह रहा था, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर, तो ओड नेचुरल नंबर ऐसा कौन सा है जो दो से डिवाइड होता हो, तो दो से डिवाइड होने वाला ओड नेचुरल नंबर कोई भी नहीं होता है, तो ये क्या है हमारा, नल सेट। अब दूसरा हमारा क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स, तो ये मैं आपको अभी बता के आया हूँ हमारा इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, एक है सिर्फ, कौन सा हमारा, दो, कौन सा है हमारा, दो इवन प्राइम नंबर है, क्या है हमारा, दो क्या है, इवन प्राइम नंबर है, तो ये एक नल सेट नहीं हुआ हमारा, इसमें एक आ गया तो इसे हम बोलेंगे नॉट अ नल सेट, नॉट अ नल सेट। समझ में बात आ गई नहीं आ गई, तो ये हो गया हमारा नॉट अ नल सेट। इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे एक एलिमेंट जब होता है हमारा, इसको सिंगल टोन सेट बोलते हैं, इसको आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, इसमें हमारा एक ही एलिमेंट होता है उसे सिंगल टोन एलिमेंट सेट बोलते हैं, तो इसके बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स क्या, एक नेचुरल नंबर, जो एक्स की वैल्यू है, जो एक्स की वैल्यू है फाइव से तो बड़ी है, फाइव से बड़ी है और सेवन से छोटी है, नहीं सॉरी सॉरी, फाइव जो है आपका तीर कहाँ लग रहा है, फाइव पे लग रहा है, फाइव से, फाइव एक्स से बड़ा है, फाइव जो है हमारा एक्स से बड़ा है और एक्स जो है सेवन से बड़ा है, एक्स जो है सेवन से बड़ा है, एक्स जो फाइव है एक्स से बड़ा है और एक्स सेवन से बड़ा है। समझ में आ रही है आपकी, नहीं आ रही, तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि ऐसे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो जो फाइव है हमारा वो क्या है हमारा, बड़ा, फाइव बड़ा है एक्स से, तो फाइव से पीछे नंबर और एक्स जो है सेवन से हमारा बड़ा है, तो ऐसा कोई नंबर आ रहा है आपके दिमाग में जो हमारा फाइव से भी, फाइव से छोटा हो एक्स और सेवन से बड़ा हो, ऐसा कोई नंबर हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, फाइव से छोटा हो और एक्स से बड़ा हो ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं, तो ये क्या है हमारा, एक एम्प्टी सेट है। क्या है हमारा, ये एक एम्प्टी सेट है जिसे हम नल सेट कहते हैं, ठीक है ना। तो फाइव से छोटा नंबर और सेवन से बड़ा नंबर तो हो ही नहीं सकता नेचुरल नंबर कोई ऐसा, हाँ फाइव से बड़ा बोलता और सेवन से छोटा बोलता तो सिक्स आ जाता, मगर क्या कह रहा है, फाइव से छोटा होना चाहिए, एक्स जो है हमारा फाइव से छोटा, क्योंकि तीर कहाँ लग रहा है, फाइव पे, फाइव से छोटा एक्स और एक्स जो है सेवन से बड़ा, ऐसा हो नहीं सकता। अगर ये तीर अगर होता यहाँ पे इस तरह तो हम कह सकते थे सिक्स आएगा बीच में, मगर ऐसा नंबर नहीं होगा, ठीक है, समझ में बता गया आपके। अब नेक्स्ट कह रहा है y इज अ कॉमन पॉइंट टू पैरेलल लाइन, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट होता है, नहीं होता, हमारी दो कॉमन लाइन होती है, पैरेलल लाइन होती है,
हाँ, इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक हमारा नल सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। तो समझ में आई आपके बात? ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, नल सेट हमारा होता क्या है, ठीक है ना। अगर हाँ इंटरसेक्ट लाइन बोल देता तो एक कॉमन पॉइंट हो जाता, जैसे ए मान के चलो ये कॉमन पॉइंट है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, पैरेलल लाइन। क्या बोल रहा है? पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा नल सेट। तो आपकी जरा समझ में आ गई नल सेट को हम कैसे पहचानते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, जिसमें कोई भी एलिमेंट हमारा नहीं होता उसे हम बोलते हैं डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट दैट कॉल्ड इज एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। फिर मैं आपको एग्जाम्पल भी बताए थे मैंने आपको, तो इस तरह के सेट को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट, जिसमें कोई भी आपका एलिमेंट नहीं होता। क्लियर समझ में आ गया आपको? ये हमने ये 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी इसी के ऊपर था जो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ अब नेक्स्ट, ये हमारे हैं सेकंड क्वेश्चन फाइनाइट और इनफिनाइट सेट के ऊपर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम सेकंड क्वेश्चन करें भी, तो उसके लिए हमें पहले थर्ड क्वेश्चन भी हमारा क्या है, फाइनाइट और इनफिनाइट सेट के ऊपर है, ठीक है ना। तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, फाइनाइट सेट क्या होते हैं और इनफिनाइट सेट हमारे क्या होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमने एम्प्टी सेट पढ़ लिया, सेकंड हमारा होता है सेट फाइनाइट सेट। क्या होता है हमारा? फाइनाइट सेट, ठीक है ना। फाइनाइट सेट क्या होता है समझिए, ऐसा सेट एम्प्टी सेट भी हमारा एक तरह का फाइनाइट सेट होता है। तो वो फाइनाइट सेट कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एक उसका टाइप है, टाइप मतलब एक सब टाइप मान के चलिए एम्प्टी सेट को फाइनाइट सेट का, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमारा क्या एम्प्टी सेट भी आता है, ठीक है ना। फाइनाइट सेट में क्या आता है, हमारा एम्प्टी सेट भी आता है। देखो इसमें जो हमारे एलिमेंट होते हैं डेफिनेट होते हैं, क्या होते हैं हमारे, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, उसे ही हम बोलते हैं हम फाइनाइट सेट, ठीक है। इसमें हमारे डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, जैसे मैं आपको लिखूं ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, इस तरह से मैंने अगर लिखा, कोई भी एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है ना। एक्स सच दैट एक्स, एक्स बराबर हमारा जो है कुछ भी हम, मैं लिखूँ एक्स बराबर 2n, एक्स बराबर 2n, और n क्या एक नेचुरल नंबर, n क्या एक नेचुरल नंबर, ठीक है ना। और मैं लिख दूँ n इक्वल टू 10 से छोटा, ठीक है ना। तो हमने मैंने एक एग्जाम्पल लिखा फाइनाइट सेट का, एक्स सच दैट एक्स, एक्स जो है 2 का कोई मल्टीपल है, एन एक नेचुरल नंबर है, एन की जो वैल्यू है 10 से छोटी है। तो ऐसे नंबर कौन कौन से होंगे जो 2 का मल्टीपल हो, ठीक है ना, नेचुरल नंबर हो, 2, 4, 6, 8, और 10 से छोटे हैं 10 भी आ जाएगा, 10 अगर यहाँ बराबर लिख दूँ तो 10 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या होगा, फाइनाइट नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, इन्हें हम गिन सकते हैं, इन्हें हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे, फाइनाइट सेट हो गया। क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपके समझ में आ गई फाइनाइट सेट क्या होते हैं हमारे। तो ठीक है, इनके जैसे नंबर जो होते हैं अंदर, मैं आपको ये चीज़ भी बता दूँ, जैसे जो नंबर होते हैं हमारे, इनको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं हम, आपको याद रखना है ये कार्डिनल नंबर, ठीक है ना, कार्डिनल नंबर। आपको अब इसमें कितने कार्डिनल नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कितना कार्डिनल नंबर है इसका, और इसको हम शो कैसे करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें, 5, कितने हैं 5, इस तरह से हम बताते हैं इसमें फाइनाइट सेट को, ठीक है। समझ में आ गया अब आपके। अब वो फाइनाइट सेट का ही अपोजिट क्या होता है, इनफिनाइट सेट, जिसको हम गिन ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना, जिसको हम गिन नहीं सकते उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट, ठीक है ना। अब जैसे देखो समझाइए, समझते हैं मैं आपको, अब मैं एक लिखूँ, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, ए इक्वल टू, ठीक है ना, नंबर ऑफ बॉबल इन इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट तो आप बता सकते हैं आराम से, इंग्लिश बॉबल बता सकते हैं। तो क्या हो जाएंगे हमारे, ए ई आई ओ और यू, इन्हें आप आसानी से क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, जैसे नंबर एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 5, इसे हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं हम, कार्डिनल नंबर। समझ में आ गया आपकी फाइनाइट सेट। अगर हम बात कर लेते हैं इनफिनाइट सेट के बारे में, इनफिनाइट सेट फाइनाइट सेट का क्या होता है, अपोजिट। तो इसमें जो नंबर होते हैं हमारे नॉट फाइनाइट होते हैं, क्या होते हैं, नॉट फाइनाइट, जिन्हें हम गिन ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे मैं लिखूं एक, आप एग्जांपल लिखूं, सेट ऑफ
ऑल नेचुरल नंबर, अब मैंने लिख दिया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो आप बता सकते हैं नेचुरल नंबर कितने होते हैं। मैं 1, 2, 3, 4, फिर आप क्या क्या लगा दिए, डॉट डॉट लगा देंगे, ठीक है ना, उसके बाद तो बता नहीं सकते हैं आप। तो ये कैसा सेट है आपका, इनफिनाइट सेट है, जिसमें हम गिन ही नहीं सकते हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई, नहीं आ गई आपके, ठीक है ना। देखो एक चीज आपको याद रखनी है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे हम इनफिनाइट सेट लिखते हैं तो आपको क्या करते हैं बच्चे, ऐसे ही हमने लिखा नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, क्या क्या डॉट 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 लगाते चलते हैं। पर हमें एक चीज याद रखनी है, जब डॉट लगाते हैं मैथ में हम, तो सिर्फ तीन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, तीन लगाते हैं, ठीक है ना। एन इनफिनाइट सेट बी राइट फ्यू एलिमेंट फॉलोड बाई थ्री डॉट, फॉलोड बाई थ्री डॉट ओनली, फॉलोड बाई थ्री डॉट, हमें सिर्फ थ्री डॉट लगाने हैं, इससे ज्यादा नहीं लगाने हैं, ठीक है। जैसे मैंने लगाया 1, 2, 3, इसका मतलब क्या होता है, एस ओ एन, एज सो ऑन, ये चलता जा रहा है, ठीक है ना। समझ में बता गई नहीं आपके, तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इनफिनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसमें हमारे फाइनाइट ना हो नंबर, और फाइनाइट सेट क्या होते हैं, जिसमें हमारे फाइनाइट हो। इसी के बेस के ऊपर हम सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन करते हैं अपना, ठीक है। द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, अब देखो द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर हमें बताना है, ठीक है। फाइनाइट है या इनफिनाइट, तो बिल्कुल फाइनाइट है, क्योंकि मंथ कितने मंथ होते हैं आप बता सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, 12 होते हैं, जिसे हम कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, याद। तो ये किस तरह का सेट है हमारा, फाइनाइट सेट, ठीक है ना, बता सकते हैं, गिन सकते हैं आसानी से। अब देखो 1, 2, 3 चलता जा रहा है, डेट डेस कुछ पता नहीं है कहाँ तक चल रहा है, ठीक है। तो ये कैसा सेट है हमारा, इन्फिनाइट सेट, ठीक है ना, ये कैसा सेट है हमारा, इन्फिनाइट सेट, कुछ पता नहीं है कहाँ तक चल रहा है, चलता जा रहा है बस, चलता जा रहा है, कहाँ तक पता नहीं है कहाँ तक चल रहा है, ठीक है ना, क्लियर समझ में आ गई। तीसरा देखिए 1, 2, 3, 99 और 100, पता है तो 1, 2, 3 के बाद डेड डेड डेस लग रहा है, पर हमें पता चल गया है कि 100 तक है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं हमारे, 100, हम गिन सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएंगे हमारे, फाइनाइट सेट, क्या हो जाएंगे हमारे, फाइनाइट सेट, ठीक है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, ठीक है। अब ऐसे इंटीजर बताने हैं पॉजिटिव जो 100 से बढ़े हो, आप गिन सकते हो कितने नंबर है हमारे, कोई भी उनकी गिनती नहीं है नंबरों की, तो ऐसे नंबर, ऐसा क्या हो गया हमारा, इनफिनाइट सेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, इनफिनाइट सेट, क्लियर समझ में आ गया आपके। अब अगला है हमारा द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, तो हम बिल्कुल बता सकते हैं 1, 2, प्राइम नंबर बताने हैं हमें, 1 नहीं होगा, 2, 3, 5, 7 डेड डैश 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 3 लगाएंगे फिर 97, ठीक है, लेस देन 99 तो हम गिन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फाइनाइट, जितनी भी लेस देन वाली चीजें होती है ना हम गिन सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो फाइनाइट सेट्स, इनफिनाइट सेट आपके समझ में आ गया, जिन्हें गिन सकते हैं एलिमेंट को वो फाइनाइट, जिन्हें नहीं गिन सकते एलिमेंट को उसे इनफिनाइट। इसका एक एग्जांपल थर्ड क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफिनाइट, ठीक है ना। पहला है हमारा द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ऐसी हमें लाइन बतानी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल तो आप कितनी भी लाइन बना सकते हो, मान लो ये एक्स एक्सिस आपका, ठीक है, इसमें हम गिन सकते हैं नहीं गिन सकते, तो क्या हो जाएगा हमारा, इनफिनाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनफिनाइट, ठीक है, कुछ नहीं गिन सकते हम। द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, आराम से बता सकते हो आप कितने होते हैं, 26 होते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, बता सकते हो 5 के मल्टीपल बहुत सारे हैं दुनिया में, हम बता नहीं सकते कितने हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, इनफिनाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनफिनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है, हम नहीं बता सकते हैं। द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, हमारे अर्थ पर कितने एनिमल हैं उनका सेट, तो ये क्या है हमारा, फाइनाइट, क्योंकि हमें तो नहीं पता इसका एक डिजिट, पर गवर्नमेंट को पता होती है कि कितने हमारे एनिमल इस समय हैं, तो ये इन्हें गिना जा सकता है, कोई मतलब ये ऐसा नहीं है गिनने वाली, ऐसा नहीं गिन सकते, ठीक है ना, गिना जा सकता है, इसलिए ऐसे बोलते हैं फाइनाइट, इसे ये हो जाएगा फाइनाइट। नेक्स्ट है हमारा द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास कोई सर्किल है हमारा, जैसे ओरिजिन क्या होते हैं ये, तो इसके पॉइंट क्या होते हैं, 0, 0, ठीक है। अब यहाँ से कितने सर्कल पास होते हैं, तो हम बिल्कुल कितने भी बना सकते हो आप, मतलब कोई इसकी वो नहीं है, गिनती नहीं है, आप कितने भी सर्कल बना सकते हो, तो ये हमारा हो जाएगा इनफिनाइट, क्या हो जाएगा हमारा, इनफिनाइट सेट। समझ में आ गया फाइनाइट और इनफिनाइट सेट क्या होता है हमारा, तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, फाइनाइट और इनफिनाइट सेट इसे ही बोलते हैं, जिसमें हम गिन सकते हैं और जिन्हें हम गिन नहीं सकते उसे हम इनफिनाइट सेट बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे हम, देखो एक आप एक चीज़ और पढ़ लीजिए नेक्स्ट हमारा, इसमें ख़त्म कर देते हैं बात को हम, सिंगल टॉन सेट और पढ़ लीजिए, सिंगल टॉन सेट, सिंगल टॉन सेट किसे बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है, क्या होता है हमारा, एक ही एलिमेंट होता है,
उसे हम सिंगल टोन सेट बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए ए इक्वल टू मैंने लिखा 5, ठीक है, तो क्या है कि सिंगल टोन सेट, ठीक है ना। अब सेट मैंने लिखा है कोई ए इक्वल टू सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, तो क्या हो जाएगा ये एक ही नंबर, इवन प्राइम नंबर 2, तो ये क्या हमारा सिंगल टोन सेट, इसमें कोई ज़्यादा खास बात में नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक होता है हमारा इक्वल सेट भी होता है, क्या होता है हमारा इक्वल सेट, ठीक है। तो ये इक्वल सेट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, हमारा फोर्थ क्वेश्चन इसी के ऊपर है, इक्वल सेट क्या होता है। उसके बाद जो हमें पढ़ना है उसे हमें पढ़ना है सबसेट ऑफ सेट, हमें उस सेट के सबसेट भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो इतना ही आज की वीडियो में, इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा, टाइप ऑफ सेट पढ़ लिया, ठीक है। टाइप ऑफ सेट के बारे में पहला हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट, उसके बाद उसके क्वेश्चन करें, उसके बाद फाइनाइट, इनफिनाइट, सिंगल टोन सेट, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इक्वल सेट, फिर सबसेट पढ़ेंगे सेट के, क्लियर। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।